हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर द न्यू वीडियो। गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ रेडमी नोट 10 प्रो के लिए सेंसिटिविटी आफ्टर BGMI 2.1 अपडेट। तो यहाँ पर मेरे पास है रेडमी नोट 10 प्रो, सेटिंग में चल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे पास है MIUI 13.0.4 का जो वर्जन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है आपको विद ग्लोबल वर्जन के साथ में। अब यहाँ पर चलते हैं अपना जो BGMI है 2.1 का, वो भी अपडेट हो चुका है। चलते हैं BGMI पे और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि सेंसिटिविटी जो बेस्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हो गाइस कि जब ये नया अपडेट आता है ना तो आपको सेंसिटिविटी जो है पुरानी वाली थोड़ी सी मुश्किल होती है नए वाले में फिट करने के लिए। तो सेंसिटिविटी हर बार आपको न्यू करनी पड़ती है डिज़ाइन। तो फाइनली आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 2.1 के अपडेट के वास्ते सेंसिटिविटी। और ये जो सेंसिटिविटी है आपको Redmi Note 10 Pro Max में भी काफ़ी काम करेगी, दोनों के लिए सेम ही होता है। और Redmi Note 10 सीरीज जो है उसके लिए भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, चलते हैं अपने ट्रेनिंग मोड में और बनाते हैं गर्दा वाला सेंसिटिविटी और आपको दिखाते हैं पावरफुल सेंसिटिविटी फॉर जीरो रिकॉइल एंड क्लोज कॉम्बैट, ताकि आप अपने पूरे गेम प्ले को इजीली इम्प्रूव कर सको और एनिमी को इजीली खात्मा कर सको, गेम का पूरा मजा ले सको। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और हम मिलते हैं ट्रेनिंग मोड में। लेकिन उससे पहले आप क्या करें यार, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से वीडियो को, लाइक कर दो मोटिवेशन के लिए। और 10K पर रखा हूं गेम फोन गिव अवे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप भी हो सकते हो विनर। और कमेंट में जरूर टाइप कर देना #RealSoftTech। गाइस आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा अटैचमेंट, क्योंकि अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने लगा लिया मैक, उसके बाद आप वर्टिकल फोर्ड ग्रिप यूज कर सकते हो, हाफ ग्रिप का भी यूज कर सकते हो, समझ गए। आपको यहाँ से उठा लेना है कंपनसेटेड AR का जो भी आप लगाते हो। सप्रेसर वगैरह आपको जरूरत नहीं है क्योंकि साउंड को म्यूट करने के लिए होता है। फिर उठाना स्कोप वगैरह मैं यहाँ से ले लेता हूँ। चलिए शुरू करने से पहले चलेंगे यहाँ पर थोड़ा सेटिंग में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास 2.1 का अपडेट आ चुका है, और 2.1 के सॉरी जब 2.0 का अपडेट आया था उस टाइम से ही ग्राफिक्स एंड ऑडियो का पैनल ऐड कर दिया गया था, जो पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था, समझ गए। और इसमें ग्राफिक्स आपको मिलती है स्मूथ, अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे हाई, और HDR पे आप बिल्कुल भी गेमिंग नहीं कर सकते हो, समझ गए। तो और यहाँ पर मैं रखा हूँ स्मूथ अल्ट्रा पे। ऑडियो की बात कर लें, यहाँ पर अल्ट्रा वाला ऑप्शन आपको फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है, हाई पे रखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दिखा दूँ कंट्रोल पे जाकर बेसिक सेटिंग, स्कोप मोड को रखना है आपको होल्ड पे ताकि फास्ट स्कोपिंग कर पाओ। कैमरा रोटेशन वाइल ADS इसको भी रखना है आपको डिसेबल, ताकि आपको फाइंडिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो, कैमरा आपका मूव ना हो जहाँ तहाँ, समझ गए। लीन मोड को भी रखा हूँ होल्ड पे ताकि फास्ट पिकिंग कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट से, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पूरे गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं थर्ड पर्सन नोस्कोप कैमरा से। देखो इस टाइप का जो फास्ट जिगल होता है ना, ये जो फास्ट जिगल मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आपको करना बहुत जरूरी है, समझ गए। इस टाइप का अगर फास्ट जिगल नहीं कर पाते हो तो जॉय स्टिक आपका स्टक हो जाता है, कभी आप बंदे को डाउन नहीं करोगे। देखो चलिए अब दिखाता हूं आपको आयरन साइड, क्योंकि जब आप हॉट ड्रॉप लैंड करते हो कंटेनर वगैरह जॉर्ज पुल नोवा पे, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कोई भी स्कोप नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर आयरन साइड से ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, पिंग का इशूज है। थोड़ा स्कोप जो है लेट खुल रहा है क्योंकि पिंग इशूज की वजह से, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को लग रहा है, हल्का सा गेम लैग हो रहा है, थोड़ा सा डिवाइस हिट भी हो रहा है। आई थिंक इसको अपडेट देकर फिक्स कर दी जाएगी। चलिए अब बात करता हूँ मैं रेड डॉट की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज कॉम्बैट को विन करने के लिए। यहाँ पर दिखाता हूँ, सबसे पहले इसका दिखाता हूँ आपको मूवमेंट, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में इसका मूवमेंट चेक किया। देखो इस टाइप से यहाँ पर आपको आ जाना है, और ये जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा सेंसिटिविटी बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर चलेंगे सेटिंग में, इसको मिला लेता हूँ फटाफट से मैं। सेंसिटिविटी में आना है यहाँ पर आपको, अगर आप लोग जायरो प्लेयर नहीं हो तो यहाँ पर आपको आना है, इसको जो आपको दिख रहा है इसको करना पड़ेगा एडजस्ट, थोड़ा सा कम कर देते, वाइब्रेशन ज़्यादा देखने को लग रहा था। जायरोस्कोप पे आना है, यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा है रेड डॉट आपको, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा देखने को मिल रहा है ज़्यादा वाइब्रेशन। चलिए अब मैं चालू करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो फटाफट से मैं चालू करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग।
तो फटाफट चलेंगे सेटिंग में, सारा सेटिंग आपको यहाँ दिखाता हूँ, फिर आपको कोड भी दे दूंगा। अगर आपको कोड वर्क ना का एक्सपायर हो जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, वहाँ पर आपको मैं कोड दे दूंगा। एक बार बताना चाहूँगा गाइस कि बीजीएमआई इंडिया में बैन हो चुका है, थोड़ा बहुत आपको पिंग इशू देखने को मुझे मिल रहा था, नेटवर्क इशू देखने को मिल रहा था, गेमिंग के दौरान भी ये प्रॉब्लम फेस करने मैं फेस कर रहा था। तो आई होप कि बीजीएमआई जल्दी अनबैन हो जाए ताकि हम लोग फिर से एक बार पहले तरीके से पूरा अच्छे तरह से गेम प्ले कर पाए इसी तरीके से। तो यहाँ पर सारा सेटिंग देख लो, थर्ड पर्सन नोच को जो सेटिंग है वो आपको अपने साथ मिला लो, क्योंकि जो नोच को सेटिंग होती है वो सब बंदे की अलग अलग होती है कि आपको कितना पे रखना है। बाय द वे मेरा वाला कॉपी करो तो कॉपी कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतें अगर आएंगी तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करना, या फिर आपको इसको कॉपी करने के बाद 4 से 5 दिन करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तभी जाकर के आप अच्छी कमांड कर पाओगे। समझ गए गाइस? तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच